हाय, दिस इज अलीरजा एंड वेलकम टू द फिजिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 सेकंड ईयर फिजिक्स का स्टार्ट करने लगे हैं। आज उसका पहला लेक्चर है, ठीक है। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और तमाम स्टूडेंट अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लेक्चर नोट करें, ठीक है। अभी हम पढ़ने लगे हैं लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इंटरलेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिजिक्स की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को क्या करती है, इंटरलेट करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया, हैंस ऑर्स्टिड। क्या नाम था उसका? हैंस ऑर्स्टिड, ठीक है। हैंस ऑर्स्टिड, इसने 1820 के अंदर एक थ्योरी पेश की, ठीक है। इसने 1820 के अंदर एक थ्योरी पेश की, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। कि इसने एक कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का था, जब भी किसी भी वायर से करंट गुजरती है तो उस करंट के बाहर, उस वायर के बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जब भी किसी भी वायर से क्या होता है, करंट गुजरती है तो उसके बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। क्लियर? अब यहाँ से हमारे पास, ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मुझे सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, कंपस नीडल की, ठीक है। कंपस नीडल क्या होती है, डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए। आपको पता है हमारी ज़मीन के बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब भी आप कंपस नीडल रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की नीडल नॉर्थ की तरफ क्या है, चली जाती है, और जिसके हम कहते हैं इस तरफ नॉर्थ है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये ऐसे मेरे पास नीडल इधर नॉर्थ शोर है तो हम कहते हैं इसके अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है, ईस्ट, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। तो हम कंपस नीडल की मदद से क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। किस चीज़ की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, नॉर्थ और ईस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी होती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन कौन सी होती है, जो हमारी ज़मीन के बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हमारी अर्थ के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है उस की मदद से हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हुए हम कंपस नीडल से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब यहाँ तक समझाने का मतलब ये था कि कंपस नीडल क्या होती है, कंपास नीडल क्या होती है, यूज़ होती है डिटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके लिए यूज़ होती है, डिटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मेरे पास लेट्स सपोज ये बैटरी लगी हुई है, ये नेगेटिव, ये ठीक है, ये पॉजिटिव, यहाँ से स्टार्ट हुआ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, करंट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, आई करंट। क्लियर हो गया? अब ये मेरे पास वायर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, वायर, इसमें आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, बैटरी का नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये मेरे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखने लगा हूँ कि होती भी है कि नहीं होती। बच्चे क्लियर हो गया? जैसे ही सर्किट को मैंने ऑफ रखा, आई क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो मैंने इधर एक कंपस नीडल रख ली, इधर एक कंपस नीडल रख ली, इधर कंपस नीडल रख ली, इधर कंपस नीडल रख ली। कंपस नीडल के अंदर वही डायरेक्शन है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, हमारे अर्थ की वजह से, ठीक है। जैसे इस स्विच को मैंने क्या किया, क्लोज किया, क्लोज करते सार ही इसमें भी ये डिफ्लेक्शन आई, ठीक है, और इसमें यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्शन आई, इसमें यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्शन आई, इसमें यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्शन। जैसे ही हमने डिफ्लेक्शन वाली चीज़ों को मिलाया, ठीक है, तो मेरे पास एक सर्कुलर लूप बन गया।
डिफ्लेक्शन आने का मतलब, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन शोज दैट दे आर इंड्यूस अ, दे आर इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या चीज डिफ्लेक्शन जो इसके ऊपर आई है उसने किस चीज को साबित किया कि यहां पर क्या है मैग्नेटिक। जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया नीडल अपनी दोबारा ओरिजिनल शेप में वापस आ गई। ठीक है, इसका मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। फिर आपने क्या किया, स्विच क्लोज किया, करंट गुजरी, करंट गुजरने के बाद बाहर क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो ये इस एक्सपेरिमेंट की क्या थी, वेरिफिकेशन थी कि जब भी करंट गुजरती है तो उसके बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब उसने क्या किया, उसने सपोज किया कि हम बैटरी के टर्मिनल को उल्ट कर देते हैं। ठीक है, बैटरी के टर्मिनल को करंट इस तरफ फ्लो की। अब उसने चार कंपास नीडल इधर रखी, अब उनकी डायरेक्शन ये थी। जब इन लाइन को मिलाया गया, ठीक है, तो ये डायरेक्शन बनी। ठीक है, उसने कहा कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने से किसकी डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। फिर इसने यहाँ से एक रूल एक्सप्लेन किया। ठीक है, पहले नंबर पर कुछ कंक्लूजन निकाले कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सर्कुलर होती है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड अ वायर, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड अ वायर। अच्छा जी, इसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन आई, करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर। देखिए जरा, करंट इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम, जो नीडल है वो इस तरफ डिफ्लेक्शन हो रही है, और अगर ये पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव, करंट अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन भी क्या हो गई है, वो भी क्या है, चेंज हो गई है। अच्छा, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रूल क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। एक चीज़ हमने देखा, चार रिजल्ट हमने इससे निकाले, जब भी करंट गुजरती है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ठीक है, दूसरा रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चे किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर। करंट की डायरेक्शन चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज, क्लियर हो गया। और अगर हम स्विच ऑफ कर दें तो बाहर, वेल बाहर डिफ्लेक्शन जीरो शो होगी। जीरो शो होने का मतलब क्या है, जीरो शो होने का मतलब क्या है कि जब करंट नहीं गुजर रही तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं गुजर रहा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने लगे हैं, तो इसकी डायरेक्शन हम डिटरमिन करते हैं बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में पूरा नहीं लिखूंगा, जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरे पास क्या है, एक वायर है, और वायर में करंट क्या है, आई ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। जब करंट आई ऊपर की तरफ फ्लो कर रही होगी तो इसके बाहर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हमें कैसे पता चला, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में होगा, उल्ट क्यों नहीं लिया, आपने राइट हैंड रूल यूज़ करना है। ठीक है, वायर को आपने, लेट्स सपोज ये वायर है, इस वायर को आपने ऐसे हाथ में पकड़ना है, मुट्ठी में, फिंगर जिधर कर लो होगी हो रही है, आपने पहले थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और जिधर फिंगर कर लो हो रही होंगी उधर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर करंट देखे अपवर्ड तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अब क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये थंब को क्या कर लेना है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, कर लेंगे वो फिंगर इस तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
अगर ऐसे ऊपर से देखो तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऑलमोस्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये देखिए जरा आप लोग देखेंगे तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ये इस तरफ, तो अब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? तो एक चीज़ तो इससे साबित हो गई कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। दोबारा सुन लें, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा, ऐसी ब्रांच जो इंटरलेट करती है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, ठीक है, उसका प्रूफ ये है, करंट गुजरी इलेक्ट्रिसिटी और बाहर क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, ये मैंने लॉन्ग स्ट्रेट वायर ली उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ये मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि हैंक्स ऑर्स्टेड ने 1820 में कहा था कि जब भी किसी भी वायर के अंदर क्या होता है, करंट गुजरती है तो उसके बाहर क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस भी तो होनी चाहिए, तो उसके लिए बेहतरीन डिवाइस जो सस्ती मार्केट से अवेलेबल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपस नीडल। तो कंपस नीडल को रख के हमने डायरेक्शन को क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड रिफ्लेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड की को डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन भी क्या की, फाइंड आउट की, और फिर हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाले, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए अब हम लोगों ने हर जगह कंपास नीडल नहीं रखनी, बल्कि क्या करना है, राइट हैंड रूल क्या करना है, यूज़ करना है जब भी वायर सिंगल वायर का जिक्र हो रहा होगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट इसका ये किन किन चीज़ों पर एक्ट करती है। देखिए ज़रा कहाँ कहाँ एक्ट करती है। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, ये क्या है, नेगेटिव। चार्ज स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम हायर टू लोअर। जैसे ही आप किसी प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज को इसमें एंटर करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो ये इस तरफ क्या होना शुरू हो जाएगा, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये चार्ज मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज। अच्छा, अगर मैंने चार्ज क्या रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, तो रेस्ट में भी चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी, फोर्स एक्ट कर गया, फिर इक्वल टू EQ, ठीक है, पिछला चैप्टर सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करके इस तरह मूव करना शुरू कर देगा। अगर रेस्ट में ही है, ठीक है, तो ये इस तरह मूव करना शुरू कर देगी, और ये दोनों चार्ज क्या है, मूविंग है, तो मूविंग। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट और मूविंग दोनों चार्ज के ऊपर क्या करती है, एक्ट करती है, ठीक है, क्या करती है, एक्ट करती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है दैट ये किसी वायर से आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, तो जाहिर बात है इसके बाहर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जैसे ही मैंने इधर कोई रेस्ट चार्ज रखा, क्या रखा, रेस्ट चार्ज, तो यहां पर डिफ्लेक्शन इन चार्ज, चार्ज के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो क्या ही है, जीरो ही। लेकिन फिर मैंने क्या किया, ये करंट और एक मूविंग चार्ज शो किया, ये क्यू मूविंग इस तरह, तो जैसे ये क्या करेगा, इस रीजन में पहुंचेगा, ये या इसकी तरफ या इससे अवे क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किन चार्जेस के ऊपर एक्ट करती है, मूविंग चार्जेस की वजह से भी एक्ट करती है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, करंट की वजह से, किसकी वजह से, करंट, और करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी चार्ज फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज जब फ्लो किया तो इसके बाहर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ने एक दूसरे के ऊपर क्या की, हमेशा सेम नेचर की फील्ड एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती हैं, तो इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया होगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या किए, इंट्रैक्ट किए, इंट्रैक्शन की वजह से क्या हुई, फोर्स लगी, ठीक है, और जिसकी वजह से ये चार्ज क्या हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, आपने ये चीज़ सीख ली कि करंट कैरिंग वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा होता है, चार्ज मूव, चार्ज जब रेस्ट में होता है तो सिर्फ उसके बाहर क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नस्ट में भी सवाल आया हुआ है, एमडी कैट में भी आया हुआ है और ई कैट में भी आया है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों होते हैं। देखिए ना, रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक ने एक्ट किया तो ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला गया, मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट किया तो ये इसकी डिफ्लेक्शन इधर, इसकी डिफ्लेक्शन इधर। अब यहाँ पर सिर्फ चार्ज क्या लिया हमने, रेस्ट में लिया, जब चार्ज रेस्ट में लिया तो रेस्ट में चार्ज के बाहर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ने आपस में कोई अट्रैक्शन शो नहीं की, तो इसलिए इसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई, डिफ्लेक्शन इन चार्ज ज़ीरो। लेकिन ये मैंने क्या किया, मूविंग चार्ज लिया, कौन सा चार्ज लिया है, मूविंग चार्ज, जैसे मूविंग चार्ज को इस फेंका है तो इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड ने आपस में इंट्रैक्शन किया और क्या हुई, मैग्नेटिक फोर्स लगी। ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगी है, ठीक है, उसकी वजह से इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। अब तो लो जी बच्चों, अभी हमने एक चीज़ सीखी थोड़ी देर पहले कि जब भी कोई भी वायर से करंट गुजरती है, ठीक है, तो राइट हैंड रूल से उसके बाहर हम लोग क्या डिटरमिन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्लियर हो गए। और अभी हमने एक चीज़ सीखी ये भी कि अगर क्या हो, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो ये डाउनवर्ड, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और ये, आई अपवर्ड और आई क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये दोनों वायर के अराउंडिंग हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लिया, एक में क्लॉकवाइज और एक में मेरे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने फॉर पेपर यूज़ करना है, इधर से क्या हो रहा है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है, तो इनटू द पेपर मेरे पास क्या आ जाएगा, इनटू द पेपर वो मैं क्रॉस लूँगा। ठीक है, और इधर से क्या, जैसे ही देखिए ये वायर है ना, आउट ऑफ द पेपर वो मैं क्या करूँगा, डॉट यूज़ करूँगा, इनटू द पेपर, ठीक है, इनटू द पेपर क्रॉस और आउट ऑफ द पेपर क्या है, डॉट। और इधर से ये देखिए ज़रा, इधर से यहाँ से बाहर की तरफ आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर मेरे पास क्या आ जाएगा, डॉट, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड घूम के इधर से इनवर्ट जाएंगे। ठीक है, तो क्रॉस किस चीज़ को शो करेगा, इनवर्ड फील्ड, और ये किसको, आउटवर्ड फील्ड। ठीक है, एक इनवर्ड फील्ड के लिए और दूसरा किसके लिए, आउटवर्ड फील्ड के लिए। ठीक है, और ये करंट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर डॉट हो इसका मतलब क्या है, करंट आउट ऑफ द पेज है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी, ठीक है, और करंट के लिए भी, क्रॉस इसका मतलब क्या है, करंट इनटू द पेज, करंट क्या है बच्चे, इनटू द पेज। क्लियर हो गया यहां तक, तो ये डॉट क्रॉस का मतलब मैंने क्या कर दिया, समझा दिया, क्योंकि आगे जो मैं एमडी कैट के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा हूं उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा देखिए जरा, सबसे पहला एमसीक्यू देखिए जरा, ये मेरे पास एक वायर है और ये एक मेरे पास वायर है, दोनों में आई करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दोनों में करंट क्या है,
सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब ये दोनों में मैंने अभी बोला था पीछे चार्ज गुजरा, तो चार्ज गुजरने की वजह से क्या हुआ, वो चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या है, चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड और वायर की मैग्नेटिक दोनों ने आपस में इंटरेक्ट किया, ठीक है। तो इसी तरह ये दोनों वायर हैं, तो मैं देखने लगा हूँ कि दोनों वायर की मैग्नेटिक फील्ड में आपस में इंट्रैक्शन करेंगी कि नहीं करेंगी। देखिए इधर, देखिए इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए इनवर्ड, इधर से इनवर्ड, ये देखिए ये वायर राइट हैंड रूल, इधर से फिंगर इनवर्ड और इधर से फिंगर क्या आउटवर्ड, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो इनवर्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस, क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस। और इधर से क्या आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं, डॉट को। क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है और इधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड आ रही है। ये ऐसे वायर है, ठीक है, ये देखिए इनवर्ड और ये देखिए आउटवर्ड। अब ये वाली वायर देखिए, ये वाली वायर देखिए, इस वायर में भी ऐसे ही है। तो उधर से इस तरफ वायर के इस तरफ इनवर्ड और वायर के इस तरफ क्या, आउटवर्ड। तो इनवर्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इनवर्ड के लिए क्रॉस और आउटवर्ड के लिए डॉट। क्लियर हो गए। तो बच्चे अगर वायर के अंदर देखा जाए, तो वायर के अंदर हम लोग देखें तो एक फील्ड एंटर हो रहा है और एक फील्ड क्या है, बाहर, ठीक है। ऐसे एक फील्ड क्या है, एंटर और एक फील्ड क्या है, बाहर। दोनों फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चे, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से बाहर से फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। तो MCQs ये आता है पेपर के अंदर कि दो वायर हैं, उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या कोई फोर्स एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने कहना है कि वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। इसी तरह अब मैं एक और MCQ बोलने लगा, ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इसके इस तरफ करंट और ये क्या है, इसके इस तरफ करंट, दो वायर्स। अभी दो वायर हैं, इसके बाद तीन वायर के ऊपर भी जाने लगा हूँ, ठीक है। अभी देखिए ज़रा, हम लोग यहाँ से, ये मेरे पास आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल इनवर्ड, इनवर्ड के लिए क्या लगेगा, क्रॉस, और आउटवर्ड के लिए क्या लगेगा, डॉट। तो ये I2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, I1। क्लियर हो गया। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, ऐसे अंदर की तरफ और ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, और इधर से इसका मैग्नेटिक फील्ड I1 ऐसे है, ऐसे नीचे की तरफ करंट है ना, तो ये राइट हैंड रूल, यानी कि वायर के इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और वायर से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो बाहर की तरफ के लिए आउट ऑफ द पेज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ द पेज मेरे पास क्या आ जाएगा, डॉट, और इन टू द पेज क्या आ जाएगा, क्रॉस, ठीक है। अब यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बन रही है, सेम, ठीक है। यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के इस तरफ आ रहा है और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के बाहर की तरफ, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रहे हैं, बाहर की तरफ, ठीक है। तो जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कर ले, ठीक है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बाहर मिनिमम हो जाएगा, जिसकी वजह से, ठीक है, ये इस तरफ फोर्स लगाएगी, ये इस तरफ फोर्स लगाएगी, क्योंकि अंदर
फील्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह फोर्स लगाएगी, क्लियर हो गया। और ये आपस में वायर्स आपस में क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, क्या करेंगी, रिपल्शन शो करेंगी। तो इसका मतलब क्या है, एक चीज अभी हमने क्लिक ये निकाला कि आई अगर सेम डायरेक्शन में हो, अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्ट में क्या आता है, अट्रैक्शन, और आई अगर क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्ट क्या आता है, रिपल्शन, ठीक है, ये रिपेल करेगी। क्लियर हो गया यहां तक, अभी दो वायर का केस। अब यहां से देखिए, यहां से एक आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, ये मेरे पास क्या, ये सर्कुलर लूप है, लूप में करंट इस तरह फ्लो कर रही है, लूप में करंट इस तरह फ्लो कर रही है और बाहर एक वायर गुजर रही है, बाहर में करंट क्या है, इस तरह फ्लो कर रही है, तो ये इसकी तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, ये आई वायर, ठीक है, ये इसकी तरफ लूप की तरफ अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी, देखिए जरा इस रीजन में, देखिए दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो आई सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, अट्रैक्शन, तो ये वायर में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, क्लियर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्लियर हो गया बच्चे, ये रूल ओनली, राइट हैंड रूल ओनली वैलिड फॉर दी, ठीक है, ये लिख लें, राइट हैंड रूल ओनली वैलिड फॉर, ठीक है, कन्वेंशनल करंट, किसके लिए, कन्वेंशनल करंट, मीन पॉजिटिव चार्जेस, कौन से चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, किसके लिए बचे, पॉजिटिव चार्ज लिए। अब इस वायर में से करंट क्या कर रही है, इस तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है, ये स्क्वायर है इसमें इस तरफ, और करंट बिल्कुल डाउनवर्ड फ्लो कर रही है। अब आपने ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, आपने इन दोनों में देखना है, करंट की डायरेक्शन आई क्या है, अपोजिट, ठीक है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगी तो उनका रिजल्ट क्या आना है, रिपल्शन, रिपल्शन, ठीक हो गया। अब मैं जो है एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को लेकर मैंने क्या करना है, अब हल करना है। ये बच्चे मेरे पास क्या है, ये पीस ऑफ वायर है, देखिएगा जरा, ठीक है, नष्ट का सवाल है, ये नष्ट में आया हुआ है, ठीक है, ये वायर है, इस वायर में से करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है, इसके करीब से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजर रही है, क्या है, जिसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो कहते हैं कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी तरफ अट्रैक्शन होगी या क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है, अट्रैक्शन होगी या क्या होगी, रिपल्शन। तो सबसे पहले जहन में एक सवाल आता है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं करंट इस तरफ फ्लो कर रही है, ये भी करंट इस तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होगी, नहीं नहीं, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, लेकिन हमने, क्योंकि मैंने अभी बोला कि राइट हैंड रूल किसके लिए, ये रिपल्शन अट्रैक्शन किसके लिए पॉसिबल है, ओनली फॉर पॉजिटिव चार्जेस या करंट के लिए,
कन्वेंशनल करंट के लिए। तो कन्वेंशनल करंट किधर फ्लो करती है? इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। ये कौन सी करंट है? कन्वेंशनल करंट। ये इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल क्या है? अपोजिट। अब आपने इन दोनों के दरमियान देख रहे हैं अट्रैक्शन हो गई है, रिपल्शन होगी। मुझे देखे जरा, ठीक है, अट्रैक्शन हो गई है, रिपल्शन सेम क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? इसमें रिपल्शन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं देखना आपने हमेशा ये रूल, हमेशा आप ये रूल किसके लिए यूज करेंगे? करंट के लिए यूज करेंगे। कौन सी करंट? कन्वेंशनल करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना, चाहे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, ठीक है, क्लियर हो गया। जबकि करंट की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। पेपर में सवाल वो पूछेगा आपको करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने इन दोनों के दरमियान इस रूल के मुताबिक नहीं लेने के सेम डायरेक्शन, नहीं, आपने हमेशा ये डायरेक्शन करंट की लेनी है, और करंट की डायरेक्शन बिल्कुल उसके क्या है, इस करंट के बिल्कुल क्या है? अपोजिट। क्योंकि जिधर को इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, ये पीस ऑफ वायर है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो करेंगे, ठीक है, जबकि आपने करंट की डायरेक्शन बिल्कुल क्या करनी है, उसके अपोजिट लेनी है, आई। तो करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रही है, लेकिन करंट की डायरेक्शन बिल्कुल क्या होगी? अपोजिट। अब आपने इस करंट को देखना है, दोनों की डायरेक्शन को। जब आप दोनों की डायरेक्शन देखें तो अपोजिट, तो अपोजिट में क्या होता है? रिपल्शन शो होती है। क्लियर हो गया? इन द केस ऑफ थ्री वायर्स, मेरे पास तीन वायर्स है, ठीक है, मेरे पास कितनी वायर है? तीन वायर। उनमें आई क्या है? करंट। सेम इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सेम इन मैग्नीट्यूड, अपवर्ड जा रहा है आई करंट। एक वायर का नाम ए, बी और सी, वही राइट हैंड रूल, ठीक है, इनवर्ड, इनवर्ड के लिए क्रॉस, और यहाँ से फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड के लिए डॉट। अब यहाँ से फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड के लिए क्रॉस, और यहाँ से आउटवर्ड के लिए डॉट, और यहाँ से फील्ड इनवर्ड क्रॉस, और इधर क्या आ जाएगा? डॉट। ये डॉट क्रॉस कैंसिल कर देंगे, ये डॉट क्रॉस आपस में कैंसिल कर देंगे, फील्ड क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके ऊपर बी वायर के ऊपर जो नेट फोर्स होगी जीरो हो जाएगी, बी वायर के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि इधर से फील्ड क्या? इनवर्ड, ये इधर आउटवर्ड, दोनों कैंसिल, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों कैंसिल, तो इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, लिहाजा ना ये इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ना ये क्या होगी? इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी। अगर हम बात कर लें ये नेक्स्ट केस के लिए, ये तीन वायर, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, आई, तो आई क्या है? सेम मैग्नीट्यूड की है, ठीक है, इधर से डायरेक्शन इस तरफ, इधर से डायरेक्शन इस तरफ, इधर से डायरेक्शन इस तरफ, क्लियर हो गया? इधर से डायरेक्शन इस तरफ, तो यहाँ से बाहर की तरफ, और बाहर के लिए डॉट, इनवर्ड के लिए क्रॉस। अब यहाँ से इनवर्ड, इनवर्ड के लिए क्या लगेगा? डॉट, ठीक है, इनवर्ड के लिए डॉट, और इनवर्ड के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रॉस, और आउटवर्ड के लिए क्या आ जाएगा? डॉट। क्लियर हो गया? ये देखें डायरेक्शन इस तरफ, आउटवर्ड के लिए डॉट, इनवर्ड के लिए क्रॉस, इधर से इनवर्ड के लिए क्रॉस, इसके लिए क्या होगा? डॉट। इसको लो ए, इसको नाम बी, इसको सी। अब यहां से देखें जरा इस वायर के लिए, ऐसे है ना, ऐसे बिल्कुल, तो इधर मेरे पास क्या हो जाएगा? डॉट, और इधर मेरे पास क्या हो जाएगा? क्रॉस। अब बच्चे इन दोनों के दरमियान भी अट्रैक्शन होगी, यानी कि ये इसको खींचेगी अपनी तरफ, इन दोनों के दरमियान भी अट्रैक्शन होगी, ये इसको खींचेगी आपके आपकी तरफ, और नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स ऑन बी इज ज़ीरो, नेट फोर्स ऑन बी वायर इज ज़ीरो, और इधर भी क्या थी? नेट फोर्स, ये इसको रिपेल करेगी, ये इसको रिपेल करेगी, तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाएंगी,
ठीक है, और नेट फोर्स क्या लग जाएगी, ज़ीरो लग जाएगी। क्लियर हो गया। अब अगर ऐसे हो जाए, अब अगर ऐसे हो जाए, ये वाला केस हो जाए, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, तो कंडीशन लिख लें, आई क्या है, सेम इन मैग्नीट्यूड है, आई सेम इन मैग्नीट्यूड। इस वायर को नाम दे दें ए, बी और सी। देखिए ज़रा, सिंपल सी बात है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से देख, इधर से मैं इनवर्ड, इनवर्ड के लिए क्रॉस, आउटवर्ड के लिए डॉट, ये इनवर्ड के लिए क्रॉस, आउटवर्ड के लिए डॉट, ठीक है। दोनों फील्ड कैंसिल हो जाएंगे, दोनों फील्ड जैसे कैंसिल होंगे ये इसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। अब इसका बिहेवियर इन दोनों के साथ चेक करते हैं, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्रॉस बाहर की तरफ और डॉट इनवर्ड, ऐसे ही है ना, ये देख लेते। आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए मेरे लिए डॉट और इसके लिए क्रॉस, ये देखें। अब यहाँ से ये फील्ड क्या हो जाएगा, अब ये वाला फील्ड आपस में क्या हो जाएगा, सिंपल ये देखिए ज़रा, सबसे पहले, सबसे पहले आप देखिए इस वायर को, इधर से फील्ड इनवर्ड और इधर से क्या है आउटवर्ड, इधर से फील्ड इनवर्ड, इधर से आउटवर्ड, ठीक है। जब फील्ड, ये दोनों फील्ड कैंसिल हो जाएंगे और बाहर फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये दोनों फील्ड क्या हो जाएंगे, अंदर कैंसिल, अंदर मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम फील्ड हो जाएगा, और इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन बन रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन, इन दोनों के दरमियान, ओह जब सेम अपोजिट डायरेक्शन होती है तो रिपल्शन, और इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये वायर बी ए की तरफ मूव करेगी, बी मूव टूवर्ड ए, तो बी किसकी तरफ मूव करेगी, ए की तरफ। यहाँ पर देखें, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, इन दोनों के दरमियान आपस में रिपल्शन, इन दोनों के दरमियान आपस में रिपल्शन, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, ठीक है। ये रिपल्शन अट्रैक्शन, ये भी क्या है, रिपल्शन, ये अट्रैक्शन, ये क्या है, अट्रैक्शन। इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान आपस में अपोजिट डायरेक्शन, तो रिपल्शन और ये क्या, अट्रैक्शन, तो ये वायर इस तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। ये तमाम केसेस वो थे जिसमें क्या थी, सेम क्या थी, मैग्नीट्यूड करंट की। अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो जाए, दो एम्पेयर, तीन एम्पेयर, चार एम्पेयर, दोनों के दरमियान क्या है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, और अब सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, लेकिन आपने इन दोनों का प्रोडक्ट देख लेना है, I1, I2 एंड I3, ये क्या है, एक एम्पेयर, तीन एम्पेयर और चार एम्पेयर, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 6। तो किन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, किन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इस वायर को ए नाम दे दे, बी नाम दे दे, सी नाम दे दे, किन दो वायर के दरमियान सेम अट्रैक्ट, जिनकी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उनके दरमियान अट्रैक्शन भी क्या ज़्यादा होगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 12, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6, तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन, और ये वाली वायर जो है बी वायर सी की तरफ क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होगी। इस तरह की एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, ठीक है, ये एम्पेयर है। अब यहाँ से I1 करंट, I2 एंड I3, बच्चे सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होती है रिपल्शन, अभी हम पढ़ के आए हैं,
ठीक है, जब भी सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्शन, इन दोनों के तरफ पहल करेगा तो ये इसको इधर पहल करेगा और ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बी वायर, ठीक है, ये वाली आई टू वाली वायर, आई टू किसके तरफ मूव कर जाएगा, आई थ्री की तरफ मूव कर जाएगी। क्लियर हो गया। इस तरह के आप जितने मर्जी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड करंट के डिफरेंट हो तो आपने देखना होता है प्रोडक्ट क्या है, क्या है प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसकी तरफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। मसलन अगर मैं ये कहूँ, इसी क्वेश्चन को चेंज करूँ, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स, तो बी वायर किधर जाएगी, पहले बी वायर के ऊपर कोई फोर्स नहीं थी, अब फोर्स होगी क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 20, इन दोनों का प्रोडक्ट 30, ठीक है। ये इसको रिपेल कर रही है, ये इसको रिपेल कर रही है, लेकिन नेट फोर्स किधर होगी, ठीक है, रिपल्शन की फोर्स किधर होगी, इन दोनों के दरमियान ग्रेटर होगी, इन दोनों के दरमियान कम होगी। तो लिहाजा ये वाली वायर अब बी मूव ए, तो बी ए की तरफ क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। क्लियर हो गया। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे अगले आर्टिकल के साथ।